टोकरी में हमने रखा हुआ है, और वो सांप है कि जिसको उड़ने वाला सांप कहा जाता है। ये सांप अपने यहाँ पे नहीं होता, पहाड़ी क्षेत्र में होता। पहाड़ी क्षेत्र में उड़ने वाला सांप, इसमें से हरे रंग का सांप दिखाया जाएगा। इसका जो मुंह होता ना, मुंह सुई की तरह इस सांप का मुंह होता है। और एक सांप तो इसमें से दिखाया जाएगा। सबसे लास्ट में आपको इसमें से तो वो सांप दिखाऊंगा, जो सांप तो एक है लेकिन सांप का रंग और कलर 5 है, और सांप के सर के ऊपर बाल जमे हुए, बहुत खतरनाक सांप दिखाया जाएगा। मगर नाजी, कुछ लोग अपने दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे यहाँ पे सपेरे आए हैं गाड़ी लेके, अभी बीन बजाया फिर ये सांप दिखाएंगे, फिर पैसा मांगेंगे। सांप दिखाने के बाद किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, ये तो बिल्कुल फ्री सेवा, फ्री का प्रचार। और हम लोग जो आपके यहाँ पर आए हैं तो क्या करने के लिए आए हैं? केवल अपने गुरु की एक बात बताने के लिए। कौन सी बात? ए इधर ध्यान दो, आप लोग जंगल में खेतों में काम करने जाते हैं, ना करे ऊपर वाला सांप अगर कभी किसी को काट ले, है ना भाई? सांप काट लेता है, काटता नहीं काटता भैया, सांप काट लेता है, समय पर इलाज नहीं होता, इंसान बेचारा मर जाता है। इसलिए हमारे गुरुजी ने तीन बजाने वाले सपेरे, सांप पकड़ने वाले सपेरे, ये बहुत सारे सपेरे हमारे गुरुजी ने एक जगह पर इकट्ठे करे, और इकट्ठे करने के बाद हमारे गुरुनगर एक पंचायत, और पंचायत में हमारे गुरुजी ने सब सपेरों से ये कहा है कि बेटा जोन सा सपेरा जिस क्षेत्र में रहता है अपने क्षेत्र में अपनी एक दुकान बनाओ, दुकान, और दुकान का पता एड्रेस हर गांव में हर बस्ती में बांट दो। तो हम लोगों ने बनाई भैया एक दुकान, मगर दुकान, और दुकान पे होता क्या है? सिर्फ दो इलाज, दो काम होते दुकान पे। सबसे पहले नंबर सांप काटे का इलाज। Thank you.